उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के अंतर्गत आने वाले ग्राम अहरौला तेजुवन में दो प्रत्याशियों के बीच हुई नोकझोंक में बड़ा हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कर गलत प्रचार कर रही गाड़ी को किया सीज। बता दें कि गजरौला धनोरा मार्ग पर स्थित ग्राम अहरौला तेजुवन चौराहे पर उस वक्त दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा खड़ा हो गया, जिस समय भाजपा समर्थित प्रत्याशी सतवीर सैनी ने अपने पक्ष में दूसरे प्रत्याशी भरत सिंह एडवोकेट के समर्थकों को दुष्प्रचार करते हुए मौकाए वारदात पर पकड़ लिया। गौरतलब हो कि जनपद अमरोहा के वार्ड संख्या 11 से जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी सतवीर सैनी का आरोप है कि वार्ड संख्या 11 में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भरत सिंह एडवोकेट के समर्थक गाँव शकरथली मानी गाँव में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए नजर आए। आरोप है कि उन्होंने नमूना मतपत्र पर मेरे नाम के आगे कमल का फूल बना हुआ मतपत्र छपवा रखा है, जबकि पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी को पार्टी चुनाव चिन्ह नहीं दिया है। मेरा चुनाव चिन्ह चश्मा है, जिससे मेरे चुनाव प्रचार पर असर पड़ सकता है। सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुंचा। मैंने मौके पर जाकर प्रत्याशी भरत सिंह एडवोकेट के समर्थकों की गाड़ी से दुष्प्रचार की सामग्री नमूना पत्र बरामद कर लिया है, जिसमें मेरे नाम के आगे कमल के फूल का चिन्ह छपा हुआ पाया गया, जबकि मेरा चुनाव चिन्ह चश्मा है। नमूना मतपत्रों को देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे द्वारा तथा मेरे समर्थकों द्वारा उसका विरोध करने पर भरत सिंह सैनी प्रत्याशी के समर्थक मेरे समर्थकों से भिड़ गए और मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। भाजपा समर्थित प्रत्याशी सतवीर सैनी का कहना कि मेरी जीत के आसार को देखते हुए प्रतिद्वंदी बौखलाकर मेरा दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि दूसरे प्रत्याशी भरत सिंह का कहना कि सतवीर सिंह सैनी तथा उनके समर्थक मेरे बढ़ते हुए समर्थकों की संख्या को देखकर बौखलाए गए हैं, जिस कारण उन्होंने आकर हंगामा किया और मेरे समर्थकों के साथ गाली गलौज की। सूचना पाकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची कुमराला चौकी प्रभारी उपेंद्र सिंह ने दुष्प्रचार सामग्री बरामद कर टाटा सफारी कार को अपने कब्जे में ले लिया है और थाने ले आए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं भाजपा प्रत्याशी सतवीर सैनी हूं, वार्ड 11 से। मेरा चुनाव चिन्ह चश्मे का है, जबकि वार्ड 11 का निर्दलीय प्रत्याशी भरत सिंह एडवोकेट उसने मेरे नाम पर कमल का फूल का चिन्ह लगा कर और ये बता रहा है कि सतवीर सिंह का चिन्ह कमल का फूल है, जबकि मेरा चिन्ह है चश्मे का। इस तरीके से मेरे साथ दुष्प्रचार करा जा रहा है, मेरे साथ मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चारों तरफ इसकी गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ सीज होनी चाहिए। जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, इसका एक जमाई है जो एयरफोर्स में है, वो मेरे को धमकी दे के गया कि मैं ये देख लूँगा, ये सब कुछ नहीं हो सकता, मैं जो तीन मुझे करना वो करूँगा। वो भी भाग गया, गाड़ी उसकी यहाँ ही खड़ी है, टाटा सफारी। आप इस समय कहाँ पर हैं? मैं इस समय अहरौला चौराहे पर हूँ। यहाँ अपना प्रचार कर रहे थे? प्रचार नहीं, मुझे पता चला, सूचना मिली कि शकरथली में इन्होंने इस तरीके का प्रचार करा, तो शकरथली के लोगों ने मेरे को सूचना दी कि तुम्हारे नाम से ऐसे ऐसे दुष्प्रचार बढ़ा जा रहा। मैं तुरंत लेके गाड़ी वहाँ गया, वहाँ से शकरथली के लोगों ने मुझे पर्चा एक दिखाया कि ये वाला पर्चा। मैं वहाँ से शकरथली के लोगों को लेके आया तो मुझे यहाँ पर गाड़ी मिल गई। मैंने यहाँ गाड़ी से पकड़ के मैंने पुलिस को सूचना दी है और आप लोगों से बताया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। गाड़ियाँ चल रही है, सब बंद होने चाहिए और इन पर कानूनी तरीके से मुकदमा होकर इनको अरेस्ट करके इन पर मुकदमे लग कर जेल भेजने चाहिए। आला अधिकारियों को अवगत करा दिया। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट।